Good afternoon, media fraternity. Today, Apsu and Ansu came over here in Press Club to discuss regarding the letters received from CMO. So, ये आपसे पता है एपीएससी पेपर लीक केस को लेके आपसु और अंशु जॉइंटली एक अल्टीमेटम दिया था 7 दिन का. तो गवर्नमेंट से एक रेस्पॉन्स आया है. वो गवर्नमेंट से लेता रेस्पॉन्स आया है कि सीएम जो टूरिंग में है उसके साथ साथ कुछ दिन के लिए या हॉलीडे वगैरह था, तो उसके इसको लेके वो लोग थोड़ा सा टाइम मांगा. तो सीएम जो ये 5 तारीख को 5 दिन टाइम मांगा, तो सीएम जब आएगा तो आपसु और अंशु को डिस्कशन टेबल में बुलाएगा बोल के वो लोग का एक लेटर दिया है. तो इस लेटर से आपसु और अंशु को इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है. बट देन हम अपना पब्लिक उसका एस्पिरेंट यूथ्स ये सबको बताना चाहेगा, हम लोग जब प्रेस स्टेटमेंट देने के बाद आपसु और अंशु जब ये इश्यू को टेकअप करने के लिए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ग्रुप से लेने के बाद तुरंत सीएमओ से हम लोग को बात किया था, उसके साथ साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को हैंड ओवर कर दिया. तो उसमें भी हम लोग ये कंडीशन रखा है कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पहले का जितना पेपर लीकेज है उसका इवन आयो का रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करना है. एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी कि यहां कोर्ट को गुमराह कर रहा है तो कौन कर रहा है. अभी ऑफिसर्स बहुत सारा है, लास्ट टाइम का एक्यूज था, बट देन दे आर इन पोजिशन. तो कोर्ट से वो लोग जीत के आ रहे हैं. जीत के आने का कारण क्या है? आने का कारण नाउ वी आर डाउटफुल है कि इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि इस बार जो भी रिपोर्ट बनाएगा इन्वेस्टिगेशन होगा उसका ऊपर भी हम लोग जांच पड़ताल करेगा ताकि कोर्ट को गुमराह ना कर सके. तो इसके लिए ये जितना मेरा व्यूअर्स पब्लिक एस्पिरेंट को हम लोग का ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप सब इस बार आपसु और अंशु को कॉन्फिडेंट रखिए. वी आर गोइंग टू शो यू द रिजल्ट. इट मे टेक टाइम बट देन हम लोग क्लियर करके आप लोग को दिखाएगा. तो इसलिए यस्टरडे ऑल्सो ये एक है कि गवर्नमेंट बोलता है कि एपीएससी कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. हाँ, हम लोग भी मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो इसमें क्या है कि वो लोग को डायरेक्ट सस्पेंड करने के लिए गवर्नर का ही हाथ होना पड़ेगा बोला. तो इसके लिए फिर हम लोग गवर्नर को भी एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया और अभी अपना स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का ये एक अपील रहेगा कि आप लोग इमिडिएटली एक कैबिनेट सीटिंग करने से ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ प्रेजर को यूज करो. तो ऐसे होकर कैबिनेट डिसीजन लेके गवर्नर को आप लोग परसू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जब मिलेगा सीएम को हम लोग जो भी है उसको क्लियरली डिस्कस करेगा एंड ऑल द ग्रीवेंसेस प्लस बाय अस शुड बी इन क्लियर स्टेज. हम लोग जो भी ग्रीवेंसेस प्लेस किया है उसका ऊपर में पॉइंट बाय पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करेगा. और अभी जो भी है इस मैटर का डिटेल्स को मेरा अंशु प्रेसिडेंट आप सबको पॉइंटली ब्रीफिंग कर देगा. तो इसके लिए पब्लिक को लास्टली एक अपील करना चाहेगा कि आपसु और अंशु का ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, उसके बाद काम करने दे के भी ज्यादा ट्रोल करने का भी कोशिश नहीं करना है. तो ऐसे से हम लोग का भी सेंटिमेंट होता है क्योंकि हम लोग भी इंसान है, बट देन हम लोग काम करेगा ये आप लोग को हम लोग कॉन्विक्शन देते हैं. थैंक यू. थैंक
थैंक यू वंस अगेन. इज मेरा दोस्त जनरल सेक्रेटरी आपसू यीशु का जेनेसिस को बताया. एग्जैक्टली ऐसे वी हैव रिसीव अ लेटर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस डेटेड ऑन 6th October 2022, स्टेटिंग दैट ही इज कीनली इंटरेस्टेड टू रिजॉल्व द इशू, द इम्पोर्टेंट प्रेस को यही पेपर लीकेज का इशू को लेके. बट देन एट अ सम सर्टेन लेवल वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द लेटर गिवन बाय ऑनरेबल CMO ऑफिस. इसमें सबसे एक पहला बात तो है कि वी हैव गिवन अल्टीमेटम, 7 days का अल्टीमेटम हम लोग का एक्सपायर हुआ है कल 7 तारीख को हो गया. तो इसमें जो रेफरेंस टू अवर अल्टीमेटम एक लेटर देता है कि सिंस ऑनरेबल CM इज करंटली ऑन टूर, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट इमीडिएटली ऑन हिज रिटर्न टू ईटानगर ही विल मीट द डेलीगेशन ऑफ आपसू एंड अंशू. वी अप्रिशिएट एटलीस्ट हम लोग का अल्टीमेटम को ऑनरेबल CM ने कॉग्निजेंस में लिया. एट द सेम टाइम वी आर नॉट हैप्पी, एटलीस्ट अब एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहता. इतना इम्पोर्टेंट इशू सिंस आवर टीम इलेक्टेड, टीम अंशु आया, टीम आपसु आया, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू कहीं भी नहीं होगा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल CM साहब को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आपका सब ऑफिशियल्स टूर को छोड़ दीजिए. अब की बार अभी जो बोलता है कि इन प्रिंसिपल आप वर्बली बोलता है कि ये मंडे ट्यूसडे को आएगा, वी एक्सेप्ट इट. हम लोग इसलिए एक्सेप्ट करता है कि अगर आपका इस चीज़ को हम लोग चैलेंज करके जाता है बोलने से, वी मस्ट गो फॉर अ बंद कॉल से रैली. तो हम लोग का पास कुछ ऑप्शन होता नहीं, लीगलिटी में हम लोग का पास कुछ ऑप्शन होता नहीं. सिंस जेन्युइनली आई फील वी आर कंट्रोलिंग द इमोशन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट, पब्लिक का यूथ को हम लोग इमोशन में हम लोग कंट्रोल करके बेहतर है. और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग इसलिए बेहतर है कि इट इज ऑल अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अंशु एंड आपसू. कहीं ऐसा ना सोचे कि क्या हो गया अंशु और आपसू, 7 days का अल्टीमेटम देके अभी गायब हो गया, इसलिए हम लोग को आज आना पड़ा है. क्योंकि ये पब्लिक क्रेडिबिलिटी, ये पब्लिक का इशू है, इट इज इशूज ऑफ एवरीबॉडी. तो इसका चलते हम ये बोलता है कि अगर मेरा जी एस साहब ने नहीं बोला, अगर आपका 7 days का अल्टीमेटम एक्सपायर होने का बाद भी मेच्योरली हम आपका जो वर्बल जो एश्योरेंस को हम लोग अगला मंडे ट्यूसडे तक रुकेगा, अगर नहीं होता है बोलने से, डेफिनेटली वी लॉन्च डेमोक्रेटिक मूवमेंट. यू कॉन्ट फील, आप सोच नहीं सकता है कि हम लोग कैसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ. ये किस लिए हम लोग बोलते हैं बोलने से, वी आर हैप्पी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप CBI को रिकमेंड किया, SIT को आप किया, और यहाँ का स्पेशल जो भी एक कमिटी बनाया आप करता है. हम लोग का अंशु एंड आपसू का इंटरवेंशन इसमें इसलिए जरूरी है कि वी हैव सीन द फेस को ऑफ 2014, वी हैव सीन द फेस को ऑफ 2017. आपका इन्वेस्टिगेशन कभी सही से नहीं होता है. आज का दिन में जो भी 2014 में जिस पेस्को में इन्वॉल्वमेंट था, आज वो फ्रीली अपना जॉब में रिटेंशन होके एंजॉय कर रहे हैं. 2017 में इतना बड़ा पेस्को हुआ, आज इसका रिजल्ट को देखिए, 700-800 स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था. और उस टाइम में आप लोग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर्स चेयरमैन बोलता था कि अपना इंटीग्रिटी को, अपना सेंसिटी को, अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए आज आप केस करके जीत के बेटा. आज आप इसका रिजल्ट को देखिए, 2017 में जो रिक्रूटेड होके आया है, तमाशारो का मिसेस जो आज प्राइम एक्यूज है, उसका मिसेस वो एग्जाम में क्रैक किया. मेरा ये अरुणाचल SIC टीम का इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है आपको पता नहीं, किंतु अपना ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हम लोग को अपना सर्टन इन्वेस्टिगेशन ने हम लोग को क्लू मिला है. कल को ऐसे ना हो कि आप लोग उसको क्लीन चिट दे दे, हम लोग को डाउट है. इसलिए हम लोग बोल रहा है कि लास्ट टाइम का, डेफिनेटली लास्ट टाइम का जो ग्यामर फादंग ने जो इस चीज़ को, इस नेक्सस को जो विशेष ब्लॉक किया है, इसमें तक आप कॉन्फाइन मत कीजिए.
हम लोग का कहने का मतलब ये है एग्जैक्टली. तो हम इसमें इसलिए पॉइंट पॉइंट वाइज हम डिलीवर करेगा, और ये ग्राउंड भी लीगलिटी में नहीं, मॉरल ग्राउंड में हम अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मेंबर और सेक्रेटरी को किस लिए हम लोग रिजिग्नेशन मांग रहा है वो भी हम अभी बताएगा. देखिए अभी स्पेसिफिकली आपको हम बताएगा. 2014 में एक केस, पेपर लीकेज का एक केस आता है. एस्पेरेंट का नाम है कागो ग्यारियो बोल के. उसको ये बताया जाता है कि वो पेपर कहीं से, जोरोक्स वाला पेपर मिलता है, वो लड़का का नाम है, वो पेपर कहीं से लेता है, जिर्जो जामो का नाम से लेता है. वो बोलता है जब जिर्जो जामो को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप लोग जानना जरूरी है 2014 वाला, अच्छा से अभी हम कंक्लूजन में भी आएगा. जिर्जो जामो को जब इन्वेस्टिगेट करता है तो बोलता है कि नहीं, ये पेपर हम जोरम नागू से लिया था बोलते हैं. तो जोरम नागू बोलने से देखिए, जोरम नागू उस टाइम में था, ही वॉज अंडर सेक्रेटरी. तो जब जोरम नागू को इन्वेस्टिगेट करता है, तो जोरम नागू को इन्वेस्टिगेट करता है बोलने से ना, ये चीज को एडमिट करता है कि हम सेंटेंस को पढ़ के दे देगा. दैट ऑन द डायरेक्शन ऑफ जोरम नागू अंडर सेक्रेटरी ही पार्निश सम क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रूम विदाउट द नॉलेज ऑफ COE. तो यहाँ से मेरा डाउट यहाँ से क्लियर का काम शुरू हो जाता है कि अभी हम 2014 से लेकर 2017 तक काम आएगा क्लियर से. मेरा कहने का मतलब है इफ़ यू गो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस 2012, उसमें बोलता है कि रूल नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर 33 क्लोज 6 उसमें ये बोलता है कि द अल्टीमेट अथॉरिटी, हाँ, जो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग रूम का चाबी एक है, आप COE का पास होगा. माय क्वेश्चन से कि आप कैसे हो सकता है कि COE का बिना एक जोरम नागू अंदर सेक्रेटरी एक किसी का चाबी को लेके स्ट्रॉन्ग रूम का चाबी खोल सकता है. दूसरा, ये रूल में अगेन ये इट रूल स्पीक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस का मुताबिक आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 33/6 में ये फिर बोलता है कि दूसरा चाबी को दिया जाता है आपका, इसको दिया जाता है चेयरमैन का पास होता है, आपका गाइडलाइंस बोलता है. तो मेरा कहने का मतलब, आप स्ट्रॉन्ग रूम में घुसने वाला आदमी को भी आप कन्विक्शन नहीं कर सकता है, कन्विक्ट नहीं कर सकता है. इसलिए हम बोलते हैं कि उस केस का आयो को हम लोग गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्योंकि आई कैनोट चैलेंज द प्रोनाउंस ऑफ यू नो जज का, हम ये को हम चैलेंज नहीं करते. जज का प्रोनाउंस कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, एविडेंस का मेटेरियल को सब्सटेंशिएट करके एक प्रोनाउंस स्टेटमेंट, एक जजमेंट दिया जाता है. देन आई से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस का दज्जा उड़ा है, जबकि ये ऑफिशियल होना, ये गाइडलाइंस को कोई भी एग्जाम, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जब एग्जाम होता है, ये सबका कॉपी सबका हाथ में होना चाहिए, इसको पब्लिक करना चाहिए. ये गाइडलाइंस को छुपा के रखा है. तो इसका मुताबिक अगर है बोलने से, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस रूल नंबर 33/6 का मुताबिक बोलने से, इसका मतलब 2014 में भी क्लियर कट पेपर लीकेज हुआ है. हम लोग आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू से हम लोग बोल रहे हैं कि वंस फॉर ऑल ये यही पेपर लीकेज में सिर्फ सीमित नहीं होना है. ये अगला जाके अगर ये सरकार आपका प्रेस क्लब का माध्यम से हम बोल रहे हैं, ये केस को भी इसमें लिबर्टी होता है, इसको भी रीओपन करना है. इट हैज री इन्वेस्टिगेट, नंबर वन बात. नंबर टू, अगर ये बोलता है कि ऐसे एक कानून है इसमें, अगर कंट्रोलर ऑफ एग्जाम का पास चाबी नहीं है, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम का बिना स्ट्रॉन्ग रूम को खोला है, और अगर ये का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयर का बिना खोला है बोलने से, चलो पेपर लीकेज नहीं हुआ है बोलने से, एंट्री कैसे हुआ, ये जजमेंट, ये 2014 का जजमेंट इटसेल्फ से कि फाउल प्ले हुआ है स्ट्रॉन्ग रूम में विदाउट द नॉलेज ऑफ आपका COE और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, बिना स्ट्रॉन्ग रूम में कोई घुसा है. तो हम बोलता है कि ये पेपर लीकेज का इशू जो अभी का नहीं है, ये वे बैक 2014 से पहले भी चलता था होगा, किंतु हम लोग को सबूत ये अब हम लोग जब गोत्रो किया है तो इस पेपर को आज हम लोग मिला है.
इसलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर एंड सेक्रेटरी को हम लोग बोलते हैं कि आप मोरली रिजाइन दो। नो डाउट कोई कोई नहीं था, किंतु आपका इंस्टीट्यूट को 2014 से क्लियर कट बदनाम हो रहा है। ये नंबर वन पॉइंट ये है। नंबर टू पॉइंट ऐसे है, नंबर टू जो हाई स्पेस को एकदम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्पेरेंट का जो सबसे बड़ा इशू था वो 2017 में है। 2017 का इशू जो ले लेके 2020 में रिक्रूटमेंट हुआ है। इसमें आप एक चीज देखिए, इसका हिस्ट्री को हम पर्स मेरा मीडिया ब्रीफिंग में भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था। 2017 में ऐसे हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कंबाइंड पेपर ये का एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें सब्जेक्ट वाइज आपका ज्योग्राफी इंजीनियर का इसका बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ने एक बोला है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है बोल के, एक जैसे ही एग्जाम दिया प्रीलिम्स एग्जाम देने का एक रिटर्न ये आपका रिड्रेस करने के लिए कंप्लेन आपको अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और सेक्रेटरी को एड्रेस किया था। इस चीज़ को रिड्रेस नहीं किया बोल के जितना भी पेटिशनर ने हाई कोर्ट में गया, जब हाई कोर्ट में आया तो स्टूडेंट का पेपर में फर्स्ट बेंच में ये लोगों केस को जीता है और यहाँ में फर्स्ट बेंच में जीता है कोई इशू नहीं। सेकेंड बेंच में वो चीज़ को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो पर्स बेंच का ऑर्डर को चैलेंज किया। चैलेंज करने का बात या इंटरेस्टिंग एक जजमेंट आया है, दो आई एम नॉट एडवोकेट, हम कोशिश किया है हम लोग का टीम वर्क ये करने का बात। ये जजमेंट में ऐसे आएगा, फॉर द रीजन एंड डिस्कशन अबव वी होल्ड द इंस्ट्रक्शन नंबर 28 क्लोज 10, आप लोग अभी देखिए इसमें ना, ऑफ 2012 regulation being mandatory provision, the commission was right not to entertaining the related representation dated 28/2018। ये बोला है कि इसमें एक चीज को सिर्फ लेके जजमेंट दे दिया कि पर्स वाला जो पर्स जो सिंगल बेंच में जो एस्पेरेंट का पेपर में जो जजमेंट आया उसको चैलेंज करके एक चीज में सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन नंबर 28 को लेके ये लोग ने चैलेंज करके पर्स वाला इसको पास कर देगा। तो देखिए आप लोग को अवेलेबल होना है, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 28 इसका क्लोज 10। तो क्लोज 10 में आप लोग धीरे से हम पढ़ देगा, क्लोज 10 में ऐसे है, इफ एनी कैंडिडेट फाइंड एनी टाइप ऑफ एरर मिस्टेक इन एनी क्वेश्चन और एनी गिवन ऑप्शन चॉइस इन द आंसर ही सी एडवाइस टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू कमीशन एंड हैंड ओवर टू द सेंटर सुपरवाइजर soon after the examination is over. No representative or complaint in this regard will be entertained after the declaration of result. तो ये इंटरेस्टिंग वाला बात ये कि ये जजमेंट कैसे हुआ, अभी हम अगेन ये कोर्ट का ये को ऑर्डर को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जब ये बंदा लुक ने 2017 में प्रीलिम्स एग्जाम को जस्ट देने का बाद रिप्रेजेंटेशन दिया कमीशन और सेक्रेटरी ने रिड्रेस नहीं किया, तब जाके कोर्ट में जाके गया और सेकंड जब ये सेकंड बेंच में आया है तो ये वाला पोर ऑफिशियल पर्पस ओनली कॉन्फिडेंशियल बुक को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने छुपा के रखे ये क्लोज को दिखा के ये क्लोज के मुताबिक केस जीत किया। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गाइडलाइंस जो हर एस्पिरेंट का बात पास होना चाहिए, ये एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन में दिया जाना चाहिए सो दैट कि लीगल बेटल में भी ये लोग यूज कर सके। जब जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है ये कॉन्फिडेंशियल बुक लेके ये लोग केस में हमेशा जीतता है, तब हमको समझ में आया इसका मतलब। ये हम ये कंक्लूजन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल डीसी स्टूडेंट्स यूनियन ये कंक्लूजन में इसलिए निकला है कि इसका मतलब सरकमटेंशियल एविडेंस का साथ हम बोल रहे हैं कि सिचुएशन सेज कि इस एग्जाम में अभी जो प्राइम एक्यूज तमा सारो का मिसेस मिनोती सारो बोरंग जो ये एग्जाम में क्रैक हुआ है और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक क्वेश्चन पेपर को पहुंचाया गया था उसका मिसेस को, इसलिए ये एग्जाम को फाइट किया है। होल ऑफ द सिस्टम मिलके जो लड़का लोग केस दिया है उसको हराया गया। ये 28 क्लोज 10 का मुताबिक देन वी से अभी तो आप क्लियर हो गया कि
हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग अभी चेयरमैन इट्स मेंबर सेक्रेटरी और ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को हम लोग क्यों मांग रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग का मिली भगत है, इट इज स्क्रिप्टेड फॉर द नेक्सस। आप लोग पेपर बेचने के लिए ये गाइडलाइंस बना के रखा है। जब जब आप लोग को प्रॉब्लम में होता है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है, ये पेपर को आप लोग लेके आते हैं। हम लोग इस ग्राउंड में बोल रहे हैं कि चलो आपको अगर प्रूफ करने में लीगलिटी, अगर आपका कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूफ करने में थोड़ा टाइम चाहिए, किंतु जनता का अदालत में ये पिटारा खुल चुका है, थोड़ा भी शर्म बचा है बोलने से। उन्हें मॉरल ग्राउंड, अगर हम अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर सेक्रेटरी का जगह होने से, हम इफ आई वर इन देयर प्लेस, हम तो पक्का बोलना था हम वेलकम करते हैं। थोड़ा भी अगर मोरलिटी इथिक्स है बोलने से हम बोलते हैं मॉरल ग्राउंड में रिजाइन दे देना था, अभी तक नहीं दे रहा है। अभी भी ये लोग फाइट बैक करने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग का दुख ऐसे है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंबर को और चेयरमैन को हटाने के लिए एक सर्टन एक प्रोसीजर लेप्सस नहीं होने के लिए इट हैज टू गो थ्रो गवर्नर सस्पेंड करेगा, इसका बाद टर्मिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जाएगा। बट देन वी से स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में जो है, आप उसको किस लिए सस्पेंड नहीं किया अभी तक? हाँ, अभी तक इतना दिन में बैठ के ये जितना भी अभी नेक्सस किया है, जितना भी चोर किया, अपना पूरा एविडेंस को टेम्परिंग कर रहे अभी तक बैठ के। हाँ, आप अंदर सेक्रेटरी को कर सकता है, डेपुटी सेक्रेटरी को कर सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी को कर सकता है, आप सेक्रेटरी को कर सकता है, आप किस लिए नहीं किया? मेरा क्वेश्चन ये है, कल को ये नहीं बोलना है कि ये आंसू आपसू हमेशा बंद कोल में निकलता है बोलते हैं। हम डेफिनेटली बोल रहे हैं, अगर सिंस हम लोग ज्वाइंट रेजुलेशन ले आए आंसू आपसू, हम लोग का ज्वाइंट डिसीशन है, अगर सीएम साहब चाहता है कि नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेगा और इशू को रिड्रेस नहीं करेगा, आपका मीटिंग में भी आएगा, अगर सही से रिड्रेस नहीं होगा बोलने से, देन ऑल्सो विल गो फॉर अ डेमोक्रेटिक वूमेन, हम लोग पक्का जाएगा। इसलिए बोलता है कि हम लोग का इशू को एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम लोग को रिड्रेस करना है। ये इशू में ना आपसू का कोई इंडिविजुअल बेनिफिट्स है, ना आंसू का इंडिविजुअल बेनिफिट्स है, इनफैक्ट ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, हर रिलीजियस लीडर का इशू है, हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, हर सिविल सोसाइटी का इशू है। तो हम लोग इसलिए बोलता है कि हम लोग का आज का बैठने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी को, आंसू और आपसू का क्रेडिबिलिटी को डाउट ना हो, इसलिए हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ रहा है। और यहाँ में 2014 का और एक चीज़ को बोल देगा, यहाँ में 2014 में हम उसमें ये कर देगा, 2014 में चार आदमी का खिलाफ में कितना सेक्शंस लगाया था, आप लोग देखिए 120B IPC 380 381 403 408 468 420। हम लोग जब ये इसको नेट में टाइप करके देखा है तो, और जो कंट्रोल रूम को जो टेम्परिंग किया ना, हर एक सेक्शन जो उसको ये होता है अट्रैक्ट होता है, आज ये आदमी भी आराम से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। वी आर ऑफ ओपिनियन दैट कि आज आदमी सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करप्शन जो प्रैक्टिस जो चल रहा है आज है, कोई आदमी सोचता है कि इसका बाद क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, उसका रिफॉर्मेशन का पॉलिसी भी हम लोग बना के रखा है। थोड़ा आप टाइम ले लीजिए स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग बोलता है ये जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस को भी इसको रिफॉर्म करना है। अगर इसको रिफॉर्म करने के लिए होने से, इसका एक मेंबर आपसू से होना है, एक मेंबर आंसू से होना है। अगर इसमें से हम एक सिर्फ पॉइंट को बोलेगा, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश हुआ है 1989, आप सब सुन के ताजुब भी होना चाहिए। अभी तक ये लोग क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग और जेरॉक्स को आउटसोर्सिंग करता है। देन यू थिंक कि अभी तक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज ए इंस्टीट्यूट, इतना ऑफिसर्स बनाया, अभी तक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जेरॉक्स मशीन नहीं खरीद सका है, देन आई से हु इज रिस्पॉन्सिबल? इधर चेयरमैन सेक्रेटरी और अरुणाचल गवर्नमेंट, ये तो हम दिखाई दिया ये इशू को करके। इसलिए आप लोग भी सवाल कीजिए,
एक एक पॉइंट को आप लोग लेगा बोलने से ये मीडिया सब मीडिया फ्रेंड्स को हम जोक्स करके देने के लिए रह दिए, इसको गोत रोक कीजिए, ये सब किसी का हाथ में होना है। इसमें बहुत सा जगह में डिपोल्ट है, इट हैज़ टू रिफॉर्म। दिस टाइम हम लोग ऐसे एक मांग रखेगा, ऐसे एक सीटिंग करेगा कि एक हिस्टोरिक सीटिंग होना चाहिए अंशु आपसों का साथ, ऐसे 2014 का पेस्को जैसे, 2017 का पेस्को जैसे, अभी रिसेंटली जो यही पेपर लीकेज जो हुआ करने का बाद भी, ये लोग का प्रोसीजर लेप्सेस होने का बाद, ये लोग चोर करने का बाद भी कैसे अपना जॉब में रीइंस्टेट करते हैं, उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाना चाहिए। हम लोग वंस फॉर ऑल परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसके लिए जितना भी एकेडमिशियन है, जितना भी लाइक माइंडेड वाला है, आप लोग का सबका आइडियाज को आंसु को शेयर कीजिए। और इसका चलते जिसको जिसको लगता है कि डाउट हुआ है कि कोई भी एग्जाम में बैठा है 2014 कोई भी एग्जाम में बैठ के किसी का पास भी सबूत है बोलने से, ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन आपका ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को हम लोग को सबूत दीजिए, हम लोग डेफिनेटली फाइट करेगा। और 2017-14 और 2021 का 20 का छोड़ के भी हम लोग का हाथ में बहुत सबूत आ रहा है, डेफिनेटली हम लोग SIC और SIT को हम लोग डेफिनेटली हम लोग हैंड ओवर करेगा। और एनी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है आपका, पॉइंट क्लियर हो गया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक कुछ एक्स्ट्रा एक डिमांड था, शायद आपको भी अवेयर होगा, ये जो एक्यूज है उसका प्रॉपर्टी जितना भी है उसको सीज करना चाहिए, उस पर आपका स्टेटमेंट चाहिए था। डेफिनेटली वो मिस आउट हो गया। हम लोग पर्स दिन से हम लोग का पर्स रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि ईडी और जितना भी ये है, जैसे नॉट ओनली जिसका एक्यूज, हम मेरा तरफ से आंसू और आपसो का तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जितना भी आपका अभी मेंबर सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी जितना भी क्लरिकल स्टाफ है बोलने से उसका प्रॉपर्टी को सर्विलेंस में रखना चाहिए। अगर कोई लॉ में अगर कोई प्रोविजन है बोलने से ये लोग का बैंक बैलेंस तक सीज करना चाहिए, ये लोग का अकाउंट स्टेटमेंट, ये लोग का इनकम डिस्क्लोजर करना चाहिए। और डेफिनेटली जो मेन एक्यूज ताकत जरंग हो गया, तमाशर हो गया, ये लोग का प्रॉपर्टी को तो पक्का सीज करके रखना चाहिए अभी का स्टेज में। ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की आया था जो फिजिकली वो पीडब्ल्यूडी वाला है, तो उसका भी कुछ एलिगेशन था कमीशन का ही होगा कि उसको भी डिक्लेयर किया गया है कि उसका ये पॉलिटेक्निक का लेक्चरर का कुछ पोस्ट में उसका एग्जाम था, तो उसका भी कुछ गाइडलाइंस का ही इशू था। तो प्रोसीजर क्या, क्योंकि वो लड़की जो इतना कन्फ्यूज थे कि आपसू या अंशु किसी को कंटेक्ट नहीं कर पा रहे, तब उससे फिर क्या अपील करेगी, क्योंकि उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके पास सारा है। ये जो वो जो बहन का ना केस को ना, हाँ उसका केस को हम लोग एक चेयरमैन बनाया है, तो उसको चेयरमैन अभी उसका ऊपर में स्टडी कर रहा है। एक्चुअली अभी हम लोग कुछ कंक्लूजन आप लोग को बता नहीं सकेगा, वो हम लोग का पास आया था प्रेसिडेंट और मेरा पास भी आया था, तो ये हम दोनों उसको सीएम को भी हम बोल दिया था वो बहन को ना एक बार मिल के बात करने से ठीक है।